गलत हुआ है ना सही से काम ना लील को एंटर लागत मान कौन पीस नु दे यार कार्यकर्ता है करो जी नहीं अच्छा दर ठाला जोगे तो दर ठाल लाए मान ले तो भी ना वोट भी दे आ भाई बंडी के हां भाई भी बंडी दे और खूब कर जाता शिकर आए के जना नहीं मिले तो कौन जाए अभी से फेकड़े जाए हो गए सोचे नेते का सब नहीं का ज्यादा मिल का ही और आज नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं राज न्यूज केडियन। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं लोडवारा गांव में और अपने साथ कुछ लोग बैठे हैं। चुनावी चर्चा ही चल रही थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे अब की बार क्या है विधानसभा की चर्चा। जब भी कहीं चाय की दुकान होती है तो चुनावी चर्चा जरूर चलती है। और जैसे बात करेंगे, लगभग 15 ग्राम पंचायतें हैं जिनका आजकल मुद्दा बना हुआ है कि उन्हें नीमका थाने में नहीं जोड़ा गया है, लेकिन कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन आज तक कांवट कस्बे में आसपास में कहीं देखा नहीं गया है। दादाजी क्या नाम है और कौन सा गांव है ये? लोरवाड़ा गांव है, नाम है गोकुलचंद। तो दादाजी जी बात करा चुनाव में तो समय बच रहे हो, तीन एक बनाऊंगा और के तीन एक बना या चार साढ़े तीन होगा ना। तो कहीं सुनो जो जी 15 ग्राम पंचायत जी थाने कौन सा जिला में रहना चाहिए जो नीमका थाने जाना चाहिए? तो अभी तो सिक्कर में ही हो। हाँ क्या वजह रही कि आप सिक्कर में रह गए? ये महादेव सिंह की मेहरबानी है। मेहरबानी है। हाँ तो क्या आपकी बार जो चुनाव आएंगे उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? ये क्षेत्र था महादेव सिंह जी के, यहाँ से वोट ज्यादा थे। मिलेगा, महादेव सिंह को वोट नहीं मिलेंगे यहाँ से, बहुत कम। जी आप कहाँ के हो? ठीक है। आपको क्या लगता है कि सही हुआ है या गलत हुआ है? नहीं सही से काम सही है। सिक्कर में रहना चाहे जा नहीं सिक्कर में कहीं और रहेगा? अब मेरे सिक्कर चले जाएगा जी तो अच्छा सिक्कर कौन चले जाए। हाँ। बात करते बड़े खताब वोट थी धारे जी तीन का बताओ कौन कौन तो उम्मीदवार है अभी? अरे अरे तब वोट तो आज चली तो कहीं खेदा कहीं मोहल्ला पर था। अच्छा यहाँ बढ़तर इलाका बढ़तर इलाका कुलका कणा कुल रात रात चेंज हो जाए बड़ा। आज तो एक बाट तो ये भी चली जा दो बाट है एक ही आवे कौन के सुभाष भाई सुभाष की तो ए और जिया ने कता कता मिल जाए और तो कहीं खेद जाते रात ने भी चेंज हो जाएंगे चुनाव से पहले? हाँ रात ने हो जाएंगे बेटी का एक रात भी ब्याहूं जी एक रात में ब्याहूं जी ना कोई विश्वास ना कोई खास मारो गांव तो एक रात में बासी मर जाए एक रात भी कर जाए चेंज हो जाए सिस्टम। हाँ एक ही बोतल भी बिका। इससे बात करेंगे सर आपकी यहाँ से कितने वोट हैं कुल और किस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे या चेहरे को मिलेंगे? मेरा गाँव जुगलपुरा है। जुगलपुरा है हाँ तो वहाँ तो मिल के ज्यादा वोट है। कितने वोट है टोटल वहाँ? भाई पिछली बार महादेव सिंह थे वो महादेव सिंह को नहीं दे रहे फिलहाल। अच्छा भाई नहीं पता नाम शामिल नहीं किया ना उसी की मेहरबानी है। तो बात करेंगे विरोध प्रदर्शन में लोग नहीं आ पाते क्या वजह रहती है? क्या उन्हें बेनिफिट नहीं है या फिर उन्हें नॉलेज नहीं है कि नीम का थाना और सिक्कर में क्या डिफरेंट है? भाई लोग जागरूक हो रहे हैं, लग रहे हैं विरोध प्रदर्शन में, धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का आदमी हूँ, महादेव सिंह का था पहले मगर आपकी बार महादेव सिंह का नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अब कांग्रेस की आज सुभाष जी की रैली में आए थे क्या देखने को मिला आपको? कितनी भीड़ थी? और जैसे बात करेंगे आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है 15 ग्राम पंचायतों का और महादेव सिंह जी ने कहा भी है कि मैं 5 ग्राम पंचायतों को जोड़ के उप तहसील बना दूं और नीम का थाना में जोड़ दूं अगर लोग मेरे पास आए। क्या इस बयान का क्या उचित निकाला जा रहा है आजकल? अब पता नहीं वो तो जुमलेबाजी है, घोषणा तो कर रहा है लास्ट में चुनाव होने के बाद नहीं भी करेगा जरूर थोड़ी है, लोगों का ध्यान भ्रमित कर रहा है। बनाते हो आपके पास रोज यहाँ पे काफी लोग आते हैं क्या चर्चा सुनने को मिलती है आपको? चर्चा तो यही सुनने मिलती है कि ज्यादा सुभाष मिल के वोट है यहाँ पे ज्यादा। कुल कितने वोट हैं आपकी ग्राम पंचायत में? 3000 के और 3500 के बीच में पंचायत में वोट हैं। और जैसे बात करेंगे कौन कौन से राजस्व गांव हैं जिनमें सभी में सुभाष जी के हैं या फिर पंचायत मुख्यालय आस पास के जो गढ़बो उपजी है लोरवाड़ा है कावट है इधर शिलपुर है इसमें सभी के ज्यादा वोट है सुभाष मिल जी के हैं। और जैसे बात करेंगे अब की बार विधानसभा में क्या सुनने को मिल रहा है आपको? विधानसभा में ये चर्चा जो कार्य करते हैं वो कोई मुद्दा नहीं कर रखा है, जिसमें काम जो है सड़क है पानी की व्यवस्था है ये महादेव सिंह ने कुछ नहीं किया इसमें। कुछ नहीं किया? नहीं आपकी ग्राम पंचायत में कुछ नहीं किया ग्राम पंचायत में? लेकिन सुभाष मिल के ज़्यादा वोट। पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो यहाँ से कितने वोट मिले थे उनको? वो प्लस में आए थे पिछली बार। हाँ जी। और अब की बार भी प्लस में वही रहेगा? बार भी प्लस में रहेगा। प्लस में रहेंगे? हाँ जी। तो जैसे बात करेंगे महादेव सिंह गुट के लोग भी मिलते होंगे आपको तो वो क्या कहते हैं? सभी लोग आते हैं। क्या कहते हैं वो? जैसे वो तो बोलते हैं कि महादेव सिंह जी अच्छा है, कोई क्या कहता है बंशी जी अच्छा है। तो जैसे टिकट लेकिन ये पहली बार आया है तो इसको भी अभी आना चाहिए। आना चाहिए। अगर पिछली बार टिकट मिली थी अब की बार टिकट नहीं मिलती तो क्या उनके वोट घटेंगे या फिर बढ़ेंगे? बढ़ेंगे।
बढ़ेंगे निर्दलीय में भी। हाँ जी विश्वास न करे तो जी बात ठीक वोट ही। और सबसे ज्यादा वोट कौन कहा मेल का सबसे मेल का पिछली बार कितने मिला? मेल नहीं मिला था पिछली बार भी सबसे ज्यादा दोनों से प्लस में जो मेल लड़े तो जी आपकी बार अगर टिकट नहीं मिला जाए तो कहीं स्थिति प्लस में हो। दादाजी जी बात करा आजकल चुनाव में कुछ ही समय बच रहे अरे यार जोरा मर्दी खेरे तो मीने दिलो दादाजी की इच्छा है कोने मीने देवा की कैसे यार टाइम टाइम मर जे जाना कोन जाना टाइम बोला बताबो कोन चाहो पूरो गांव मिल का नहीं डर लागे के न लील को का डर लागे तो मन कोन पीस नु दे दे यार कार्य करता है करो जी नहीं। अच्छा दर ठाला जोगे तो दर ठाला है मान ले तो ठाला आदमी चुनाव की बात ज्यादा चले। हां बता काई चर्चा सुना थारी ग्राम पंचायत में? इमा तो एक ही जे मील मील हो रही है मील मील हो रही है। हां तो जे पिछली बार भी मील गए ज्यादा वोट जगे हां कताक जा 88 वोट तो जिया बात करा अब की बार 88 सबसे ज्यादा थे वोट देवा की बात करे सुभाष जी ने क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके अब की बार चुनाव? मुद्दों तो एक ही जगह सुभाष मिलने जीतने जोर की को लेने देने और चाहिए लोग ही बाका वोटर ही बाने भी तोड़वाई कोशिश करे हुए थे बाहर ही टूट रहा जी क्या है हवा चल रही है हाँ अब यही टूट गया बान बेली का बेनीवाल का यार अब सुभाष मिल का नहीं होगा मुंह आपका तो ध्यान ही रखो पिछली बार कौन दे लगे महादेव सिंह दे पिछली बार तो क्यों आर सुभाष जिंदे छो बिल्कुल कथा वो टूटे ठस यहां का जहां बात करा तो सारा ही टूट का क्यों बच्चे ही कोने बाबू क्यों कौन बच्चे उठे उनसी ग्राम पंचायत है आ ग्राम पंचायत लोरवाड़ा लोरवाड़ा कौन कौन सा राजस्व गांव ही और जहां बात करा बाम का ही स्थिति गांव जय शीलपुर बालाजी नगर लोरवाड़ा बाकी भी आई तीन राजस्व ग्राम जे लोरवाड़ा पंचायत के नीचे बाकी भाई स्थिति टिकट माले कौन वोट दे तो जी बात करा कुछ दिन पहला जद कावट में सम्मान समारोह हुयो जना काफी तरीका की बात सुनवाने मिली कि लोग कावट के आसपास की ग्राम पंचायत है कुंजा दूसरी ग्राम पंचायत से सु आया जब बान का जवाब देओ चावला अजी आया तो छी की दूसरी पंचायत कोई पाकिस्तान वाला तो आया ही कोने आया तो खंडला तहसील वाला ही जेंगे तो जिया दूसरी विधान खंडला विधानसभा का गांव में जाओ तो पट्ठे का सुनवाने मिले थे नहीं मैं तो ही कारगिल ना छोटे कड़े जाओ कोने बस एक ही आवे था इकड़े से आया आपको तो मील जीत रहे थे ना मैं चलो फिर मील नहीं जीता रहे कैंट वोट खराब हवा चाली तो भाई बढ़िया। हां तो जिया बात करें जैसे बात करेंगे अब की बार आपकी यहां ग्राम पंचायत से क्या स्थिति रहने वाली है वोटों की? देखो साहब मील साहब का क्रेज ज्यादा है क्रेज है वोट भी है वोट भी है काफी लोगों से सुनने को मिलता है कि रातों रात भी वोट चेंज हो जाते हैं इस बात में कितनी सत्यता है? कुछ कुछ एक आदमी तो करते होंगे बाकी अब की बार ऐसी बात है नहीं सर। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार किन के ज़्यादा थे वोट? महादेव सिंह जी के ज़्यादा थे पिछली बार। क्या वजह रही है अब की बार उनके वोट टूट गए? वो तो देखो साहब सरकार का तो विरोध होता ही है वर्तमान सरकार का विरोध होता है। तो क्या अब की बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है बनेगी बनेगी बिल्कुल। क्या वजह फिर यहाँ से स्थिति चेंज होने वाली है? अब वो तो साहब कोई स्पेशल कोई कारण टिकट तो पे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या टिकट अगर मान लो जो कोई लेके आएगा उससे टिकट कोई भी लो अब की बार मील साहब का ज्यादा है आपके आसपास की ग्राम माल ग्राम जी तो जी हाँ कुर्सी ग्राम पंचायत का वो थे लोलडा लोलडा का वोटा में जो बात करके तो टाइम बच रहे हैं टाइम तीन ही मना तीन ही मना तीन ही मना बच रहे जी तो जी बात करा किताब वोटी था रे ठसूर कुण की हवा बंडी अब की बात हां सुभाष मील की मील की हां भाई बंडी जे वोट भी जी ना वोट भी जे हां भाई बंडी जे हां भाई भी बंडी जे और खूब वोट भी जे अब आर जी कौन सी जाति का वोट ज्यादा है? अरे सब जातियां का है खुमाना का भी अपन जाटा का ज्यादा जाटा का ज्यादा जी।
तो कौन कौन सा उम्मीदवार ने और वोट मिली है? पूरा मेल नहीं मिल रहा है? नहीं मेल नहीं मिल रहा, बन थोड़ा थोड़ा मिल रहा, बंशी ने महादेव सिंह थोड़ा थोड़ा मिल रहा। तो सब जी हां सब ने मिलेगा पार्टी पार्टी का? हां पर नहीं ज्यादा ही का वोट कटाई टोटल 4000 वोट सरकार जे। अब राजस्थान में सरकार कौन की बनवाई संभव? गहलोत की से तो गहलोत की अब सब तो अच्छा निर्दलीय बनी रही चढ़ी रही ठेगी रही बन सरकार गहलोत सरकार यही रली रली मिली सरकार गहलोत भी आजा खेड़ी आजा आजा। तो क्या वजह है आपकी बार मेल का ज्यादा नाम सुनने को मिल रहा है आपकी यहाँ ग्राम पंचायत? देखो जी हमारे ये पहले दो विधायक बहुत दिनों से रह चुके लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कभी गांव में आते जाते नहीं है। और ये ऐसा आदमी है कि कहाँ कोई भी कुछ हो तो सबसे पहले आगे रहता, जैसे वो ये कोई वहाँ वो ये हादसा हुआ था उससे पहले ये मिल ही गया था, बाकी उनकी बैठने के लिए भी दोनों नहीं गए। इसकी वजह से इसके आचरण और स्वभाव इसकी वजह से कुछ वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। नहीं हम वोट देंगे साहब, वोट पक्के ही नहीं गए। कुछ ये सिक्कर मेरे बचाओ जो ना सिक्कर में को नहीं थाना आप बचाओ ना मैं तो आप बचाओ जो कहीं वजह है नीम का थाना हम जा बचाओ करने से हमारे करने से हाँ तो पहला भी नीम का थाना जाता है सिक्कर जाता सिक्कर सुविधा तो आई देखा है भाई आप करने जिलों पड़े जी बैठी अच्छा करने जिलों पड़ा दे गए लो जी थाना का लगा राजस्थान सरकार रिपीट हो जाए लेगी। अब सरकार कौन की बन ली है? सरकार कौन की बन ली आपकी बात? सरकार तो अब कह दी कौन की बने जगह वो मत बन जाएगी कोई बनेगी और तो कौन की ना कोई भरोसा को नहीं। अब इन सुभाष ने टिकट मिले थे वो भी कांग्रेस में जाओ अच्छा नहीं मिले तो कौन जाए अभी से जाए बीजेपी में जाए हो बीजेपी में जाए हाँ चर्चा सुनवाने मिला था ना अक्सर बस आई मिला था भाई सुभाष मिल की मिला था चर्चा कौन सी ग्राम पंचायत का होते लोरवाड़ा ग्राम तो सुभाष मिल का ही सारा वोट बाका बीजी को ईसा का अब यहाँ तो सबका ही वोट तो कता के जी हाँ बात करना बाका बराबर दर्ड हो जाए कि कम जी तो बराबर से लो तीनों तीनों को बराबर से लो पर सुभाजी मिल का जो कार्यकर्ता जब की बारों को बोल बालो ज्यादा है ना रोड़ा ज्यादा करे जी के मैं रोड़ा को ना खिंचाई कर रहा सब खिंचाई करे जी जाओ बीजेपी का वोट ठीक कम के ही कहीं वजह है अजी बीजेपी वालों काम तो करिया को ना अच्छा और मैं कोई आओ कोई एजेंट चाहिए भी बीजेपी वाला कर जना जना काम करे भी के साथ एजेंट जाए जना काम करे। और जी हम बात करा 15 ग्राम पंचायत है वो मुद्दे रो लोगे मुद्दो होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए तो ये विरोध वारो तो ज्यादा करी को नहीं लोग हैं घर बैठे ही हमारे करे सो विरोध भी करे सो ने हुई ना मीटिंग हुई थी ना बड़ी मीटिंग को नहीं हाँ बड़ी मीटिंग को नहीं हुई लोग हैं सोचे नेता ही सब नहीं का ज्यादा मील का ही है और आसपास की ग्राम पंचायत में कहीं स्थिति है? अब आसपास को तो कहीं जा रहा है सुनते हो लोरवाड़ा की तो छह ही है भाई गढ़बोजी में गढ़बोजी की भी मील की है अर्जी करी 650 बड़े ज्यादा छह ज्यादा पिछली बार भी रह गया ग्राम पंचायत में ना पिछली बार तो कम था कम था पिछली बार तो महादेव सिंह का था अब कहीं ज्यादा बढ़िया था। तो जी हां 800 कौन कौन का वोट है जी बात करूं वोट तो तीनिया का ही थे तीनिया का ही जी वो चौथा का भी आ जाएगा कि थोड़ा बहुत अब तो ये तो कोई खड़े हो लो जो को ले ही लो कौन कौन सा खड़ा हो रहा जी विरोध सन आज महादेव सिंह और बंशी जी और मेल सुभाष ज्यादा जी है ना बोर्ड से और बाकार महादेव सिंह जी का बंसी जी का बाका भी छे बाका भी जी साइलेंट वोटर से साइलेंट वोटर जी। और जी वो 15 ग्राम पंचायत को मुद्दों सही है कि या सिकर में सही तो सही है वो सही है 15 ग्राम पंचायत कठे हुन जी अब जी अब जी महादेव सिंह बढ़ जाए साहब काउंट जोड़ा कता बढ़ जाए 1000 5-10000 वोट बढ़ी प्रत्येक ग्राम पंचायत से बढ़ जाएंगे हां बढ़ जाए बढ़ जा बढ़ जा काउंट जोड़ा तो बढ़ जाए तो वे